নির্বাচন ভারতবর্ষকে রক্ষা করার নির্বাচন এবারে নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনোত্তর যুগে সবচেয়ে জঘন্য সরকার মোদী সরকারকে হটানোর সংগ্রাম লোকসভা নির্বাচন প্রশ্নে ত্রিপুরাতে আমরা দুটি নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছি লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার অন্তর্গত সাত রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন এই দুটি নির্বাচনে আমি বামফ্রন্ট তথা ইন্ডিয়া মঞ্চের সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি সাতরামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আমার নাম রতন দাস আর পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী ইন্ডিয়া মঞ্চের দ্বারা সমর্থিত রামনগর উপচুনাও কা পর্চা ভরনে যা রে আমরা যে ইন্ডিয়া গঠবন্ধন কাজ উমেদার রতন দাস वो अपना पर्चा भरने जा रहे हैं तो कांग्रेस सीपीएम बाकी जितना भी आठ पार्टियां हैं यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी सीपीआई सीपीआईएमएल पीपीपी और धनमंच ये आठ पार्टियां हमने गठबंधन किया है त्रिपुरा में इस उपचुनाव में हम लोग एक साथ लड़ेंगे पार्लियामेंट में भी एक साथ लड़ेंगे और जी जान लगा के कोशिश करेंगे कि भाजपा कैंडिडेट का उम्मीदवार का जमानत जब्त हो इसी में हम कोशिश कर रहे हैं आज पर्चा भरने हम लोग सभी इकट्ठे जा रहे हैं किन मुद्दे पे ये लड़ाई हो देखिए ये तो बहुत सारे हैं अभी हमारा खास मुद्दा है कि क्या गणतंत्र बरकरार रहेगा भारतवर्ष में क्या संविधान जो खतरे में है उसको बचाना है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है फिर किसान का मुद्दा है महिलाओं का अत्याचार का मुद्दा है श्रमिक मजदूर का मुद्दा है बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं हम जनता को पास लेके जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद